अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान और बेहद मजेदार ईद स्पेशल चॉकलेट केक हम होम मेड चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से बनाकर तैयार करेंगे बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत कम बजट के अंदर सिर्फ दो अंडों के साथ ही केक बनकर तैयार होता है आप इसे बनाकर ईद पर जरूर ट्राई कीजिएगा यकीन कर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो वैसे ही चॉकलेट केक बहुत पसंद होते हैं तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए अगर आप भी आसान और सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए बगैर टाइम जाए की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है केक मोल्ड तो यहाँ मैं स्केर शेप का केक मोल्ड यूज कर रही हूँ आप अपनी मर्जी से जिस भी शेप का यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं इसे हम सबसे पहले ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे पूरे मोल्ड को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे तो ये देखिए मैंने सॉस से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूं मैदा तकरीबन तो टू टेबल स्पून के बराबर मैंने मैदा ऐड किया है मैदा ऐड करने के बाद पूरे मोल्ड के अंदर हम मैदे को अच्छी तरह से लगा लेंगे यानी मैदे को हम पूरे मोल्ड के अंदर डस्ट कर लेंगे और डस्ट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा ना उसे हम निकाल लेंगे तो ये देखिए मैंने मोल्ड को तैयार कर लिया है इसे साइड पे रख लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है डार्क चॉकलेट तो यहाँ पर मैंने टेन ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है ये हम सबसे पहले मेल्ट कर लेंगे आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव के अंदर रख के मेल्ट कर सकते हैं या आप चाहे तो इसे गर्म पानी के ऊपर रख के भी मेल्ट कर सकते हैं हैं और यहाँ एक बोल के ऊपर मैंने छानी रख ली है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा तो so, मैदा मैंने पहले एक कप ऐड किया है और इसके बाद मैंने वन फोर्थ कप और ऐड किया है इसके बाद मैं मैं इसके इसके अंदर अंदर ऐड कर 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 रही हूं बेकिंग टू बेकिंग रही हूं वन फोर्थ रही बेकिंग बेकिंग पाउडर सोडा साथ ही शुगर पाउडर यानी पिसी हुई चीनी हाफ कप के बराबर आप चाहे तो आइसिंग शुगर का भी यूज कर सकते हैं फिर मैं इसके अंदर एड कर रही हूँ चॉकलेट पाउडर यानी कोको पाउडर ये मैं इसके अंदर एड कर रही हूँ तकरीबन टू टेबल स्पून के बराबर और ऐड करने के बाद इन सब चीजों को अच्छी तरह छान लेंगे तो इन सब चीजों की क्वांटिटी मैंने ग्राम्स में नहीं बताई है क्योंकि हर किसी के पास वेट मशीन अवेलेबल नहीं होता है इसलिए मैंने आप लोगों को कप और पुरस्पोन्स में मयर करके बताया है तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह छान लिया है और जितने भी लम्बस है इसे हम साइड में रख देंगे अब इन सब ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसे साइड पे रख देंगे तो चलिए अब लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेते हैं तो जिसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं अंडे तो दो अदद मैंने अंडे लिए हैं ये रूम टेम्परेचर अंडे लिए तो हैं। पहले हम इन अंडों के अंदर ऐड करेंगे दूध तो दूध मैंने यहाँ वन फोर्थ कप ऐड किया है इस केक के अंदर तकरीबन हम हाफ कप दूध का कर यूज करेंगे पहले मैंने वन फोर्थ कप ऐड किया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम वन फोर्थ कप और ऐड करेंगे फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है घी और मेल्टेड चॉकलेट जो शुरू में मैंने आप लोगों को चॉकलेट बताया था ना मेल्ट करने वाला वही एड किया है घी यहाँ मैंने मेल्टेड फॉर्म में लिया है वन थर्ड कप के बराबर अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी एड कर सकते हैं ऑयल भी आप वन थर्ड कप ही ऐड कीजिए बस अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई मिक्सचर बना के रखा है ना उसके अंदर हम लिक्विड मिक्सचर को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर वन फोर्थ कप दूध मजीद एड कर दिया है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे ज्यादा थिक लग रही थी इसीलिए ऐड किया है तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इस टाइम पे बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए ना ही इसे ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही से ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए तो बस इसे एक मरतबा स्पेचले से सेट कर लेंगे इसके बाद मैं इसके अंदर वन फोर्थ कप के बराबर ऐड कर रही हूँ डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट को मैंने क्रश करके ऐड किया है ये ऑप्शनल है अगर आप इस टाइम पे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो चलिए अब इसे मोल्ड के अंदर ऐड कर देते हैं अगर आप केक एक, एक ही बैटर के अंदर डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे ना तो उसे केक ज्यादा चॉकलेट ही बनकर तैयार होगा इसीलिए मैंने ऐड किया है तो ये देखिए बैटर को मैंने मोल्ड के अंदर ऐड कर दिया है तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं तो मैं इसे अवन में बेक कर रही हूँ अवन को मैंने वन डिग्री पर दस मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था अब मैं इसे वन डिग्री पर तकरीबन थर्टी टू फोर्टी मिनट बेक करूंगी इसी तरह से अगर आप पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले के अंदर स्टैंड रखें आप पतीले को मीडियम फ्लेम पे दस मिनट प्री हीट कर लें और इसके बाद फ्लेम 40 तो टू लें जब तक मैंने एक पैन को चूल्हे के हाफ कप के बराबर डार्क चॉकलेट मैं इसके अंदर एड कर रही हूँ दूध तो दूध मैंने यहाँ वन फोर्थ कप एड किया है और घी मैंने इसके अंदर एड किया है वन टेबल स्पून अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसके अंदर बटर एड कर सकते हैं लेकिन आप ऑयल मत ऐड कीजिएगा तो बस इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो दूध की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर आप क्रीम ऐड करेंगे ना तो जितनी चॉकलेट होगी उतनी ही क्रीम लेंगे आप लेकिन अगर आप दूध ऐड कर रहे हैं तो जितनी चॉकलेट होगी ना उसे हाफ क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे दूध को जैसे मैंने हाफ कप चॉकलेट लिया है तो मैंने वन फोर कप दूध ऐड किया है तो ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और गनाश में अच्छी तरह बॉइल आ चुका है तो बस अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे एक बोल के अंदर एड कर देंगे यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिर लग रही है लेकिन ठंडा होने के बाद ये काफी थिक हो जाएगा तो ये देखिए हमारा केक भी बेक हो चुका है तो चलिए अब इसे डी कर लेते हैं देखिए केक को मैंने मोल्ड के अंदर से निकाल लिया है और यहाँ नीचे मैंने एक प्लेट रखा है इसके ऊपर स्टैंड रखा है उसके बाद मैंने इसके ऊपर केक रखा है क्योंकि जब हम चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे ना तो वो नीचे गिरेगा इसीलिए मैंने नीचे प्लेट रखा है इससे हमारा चॉकलेट गनाश वेस्ट नहीं होगा दोबारा से री कर सकेंगे तो आपने केक के ऊपर चॉकलेट गनाश को डायरेक्टली नहीं ऐड करना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है कोशिश करना है जो केक में होल्स है ना उसमें आप पहले ऐड कर दे और इस तरह से स्पेशली की मदद से हम पूरे केक के ऊपर चॉकलेट पहले लगा लेंगे इससे क्या होगा कि हम जब डायरेक्टली चॉकलेट गनाश को ऐड करेंगे ना तो चॉकलेट गनाश पूरे केक के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसीलिए हम पहले इसे अच्छी तरह लगा लेंगे इस तरह से साइड में भी लगा लेंगे तो ये देखिए चॉकलेट गनाश को मैंने पूरे केक के ऊपर लगा लिया है अब हम इसके अंदर ज्यादा क्वान्टिटी में ऐड कर देंगे चॉकलेट गनाश तो इस तरह से आप ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो ये पूरे केक के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा और आप ये भी देख सकते हैं कि गनाश ठंडा होने के बाद काफी हद तक थिक हो चुका है अगर ये रूम जाएगीचर में थीक ना हो तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं पांच से दस मिनट के लिए और जब आप केक के ऊपर गनाश अप्लाई करेंगे ना तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि केक गर्म नहीं होना चाहिए ठंडा करके केक के ऊपर आप इसे ऐड कीजिएगा अगर केक गर्म होगा ना तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिन हो जाएगी इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि दोनों चीजें ठंडी होनी चाहिए आप लोग देख सकते हैं कि पूरे केक के ऊपर मैंने अच्छी तरह से चॉकलेट गनाश को ऐड कर दिया है इस टाइम पे अगर आप अपनी मर्जी से जो भी केक में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं क्योंकि मैं ये ईद स्पेशल केक बना रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ ईद मुबारक लिख रही हूँ तो हार्ड पेज लेकर मैंने इसका छोटा सा मेहंदी की तरह कौन बना लिया है इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम ऐड किया है तो ये देखिए ईद मुबारक मैंने लिख लिया है और यहाँ मैंने दो छोटे छोटे हार्ट बना लिए हैं इसके बाद मैं यहाँ डिजाइन बना रही हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ दो लाइनें लगा ली हैं ऊपर भी लगाई हैं और नीचे भी लगाई हैं इसके बाद जिस इस तरह से माचिस की तीली की मदद से या टूथ पिक की मदद से आप इस तरह से इसमें डिजाइन बना सकते हैं तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है और यकीन ये जितना देखने में मजेदार लग रहा है ना उससे कई गुना ज्यादा ये खाने में मजेदार होगा तो चलिए अब मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक केक के ऊपर जो मैंने ईद मुबारक है ना वो थोड़ा सा फैल गया है वो इसीलिए फैला है क्योंकि मैंने इसके अंदर डेरी क्रीम का यूज किया है डेरी क्रीम की मदद से मैंने इसके ऊपर लिखा है इसीलिए वो फैल गया है अगर आप विप क्रीम की मदद से लिखेंगे ना तो वो नहीं फैलेगा तो ये देखिए ये अंदर से भी कितना जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है अंदर से भी बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है माशाल्लाह से ये बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी केक बनकर तैयार हुआ है तो चलिए अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बनकर तैयार हुआ है बिस्मिल्लाम यकीन करें बहुत ही ज्यादा मजेदार बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी बनकर तैयार हुआ है आप इसे बनाकर ईद पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह